Hey, welcome back. I am Dharmeshwar from DS Institute, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. मेरे प्यारे बच्चे, पता है आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आज सिखा दूंगा। आज मैं पढ़ाने आया ही नहीं, आज मैं आया हूं आपको देने के लिए वो सेंटेंस जो आपको सब आता है। बस आपको एक लाइन लेंथ देना है कि ताकि आप सही दिशा में चल सके, बस वो चीज़ मैं आज आपको देने आया हूँ। आज मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो बचपन से लेकर आज तक आता है, बट यूज करने में हमेशा गलती आप करते हो, हमेशा परेशानी होती है। आज हमने एक एक वर्ड लिया तो है, और एक एक वर्ड का हम हजारों एग्जाम्पल देखेंगे, तब जा करके आपके सेंटेंसेस क्लियर होंगे। हमने लिया इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ये भला किसे नहीं आता? आपको नहीं पता कि हाउ का मतलब नहीं पता है? सबको पता है, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम्पल दिखाऊंगा। हाउ, कैसा, कैसी को हम हाउ बोलते हैं। आपको बोलना हाउ मेनी, कितनी दूर। अब हाउ मेनी का प्रयोग करना हो, हाउ मेनी कितनी, कितने, तो हाउ मेनी के साथ आप प्रयोग करना काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना हाउ मेनी के साथ। हाउ मच का प्रयोग करना तो अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल नाउन हो, कितना पानी पीते हो, कितना दूध पीते हो, बस कितना शराब पीता है, तो जब अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच का प्रयोग। कितना, कितनी, अगर काउंटेबल हो जिसको गिनती कर सकते हो तो हाउ मेनी का प्रयोग करना। बस में पा रहे हो? अब हाउ लॉन्ग, कब तक, कब से, कितने समय से, तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना है। जब आपको सेंटेंस हिंदी में इस तरह से बोलना हो, कब तक, कब से, कितने समय से, तो हाउ लॉन्ग। बस एक बार क्या करना है, ये वर्ड को एक बार दिमाग में फिट कर लेना है। हाउ फार, कितनी दूर, कहाँ तक, हाउ फार का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले ये शब्द आप दिमाग में फिट कर लो। अब देखते हैं एक एक करके सबका एग्जाम्पल, तब जाके हम लोग क्लियर होगा। ऐसे नहीं मानेंगे, पहले एग्जाम्पल देखेंगे कितने तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या लिया, अब एक एक करके यहाँ पे लिया हाउ। अब एक हाउ लूंगा, हाउ मच लूंगा, हाउ मेनी लूंगा, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे। अब हाउ शुरू किया हमने, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, मुझे पता है कि तुम्हें आता है, लेकिन एक एक करके मैं सिखा दूंगा आज। तो आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आपके क्या हाल चाल हैं, हाउ डू यू डू। एक मजे की बात बताऊं तुम्हें, अगर तुमने किसी से हाउ डू यू डू बोला ना, तो इसका जवाब भी होता है हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, तो इसका जवाब भी होता है आपके क्या हाल चाल हैं, हाउ डू यू डू, तो इसका आंसर भी क्या दोगे, हाउ डू यू डू, राइट। अब बोला तुम्हारी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू, क्लियर। तुम्हारी यात्रा कैसी रही, हाउ वाज योर जर्नी, तो हाउ वाज कैसी रही, मैं कैसी थी कहने का सेंस है, तो हाउ वाज योर जर्नी, जो जर्नी खत्म हो गया तो हमने वाज का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं बेसिकली हाउ का प्रयोग आपको चाह रहा हूँ कि कैसा या कैसी के लिए हाउ का प्रयोग आप करें। तो जो पहले बेसिक दिया था उसको फिट रखना है। एक एक करके हम लोग पूरे को देखते हैं, तब समझ में बेहतर आएगा। अब अगर आप पॉइंट देखिए, अब हमने क्या करा कि अब हाउ मेनी और हाउ मच को लिया। अब यहां पे करना क्या है कि आपको एक एक कर, बस कलम कॉपी उठा लो, लिखना शुरू कर दो आज से भी से, और पढ़ने का प्रयास शुरू कर दो। हमने कहा हाउ मेनी हाउ मच, अब हाउ मेनी हाउ मच क्या कहता भाई, तो हाउ मेनी का जो प्रयोग है, ध्यान देना पे, हाउ मेनी का प्रयोग करना कब, जब नाउन तुम्हारा काउंटेबल हो। अब काउंटेबल से काम नहीं चलेगा, काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल होना बहुत जरूरी है बच्चे। इस बात का ध्यान देना कि हाउ मेनी के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। अब जब प्लूरल आ जाएगा तो बोलो इस साथ वर्ब क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आ जाएगा, तो इसके साथ वर्ब भी लगा देंगे प्लूरल। आपको एक राज की बात बताऊं, हाउ के साथ अगर आप ध्यान देना बुकौर से, यहाँ पे जो मेनी जो वर्ड है मेनी, मेनी के बाद नाउन कभी भी सिंगुलर नहीं आता। यानी अगर अकेला वर्ड ले ले मेनी, तो मेनी के बाद नाउन हमेशा होता है प्लूरल और वर्ब भी होता है प्लूरल। मैं सब एग्जांपल दूंगा, पहले कॉन्सेप्ट सिखा दूं बच्चे। अब मेनी के बाद तुमने कह दिया कि नाउन कभी नहीं होता सिंगुलर, लेकिन एक जगह है जहां मेनी के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर हो सकता है। कहां होता सर, बड़े राज की बात है। कब सर, जब मेनी के बाद, देखो यहां लिख दे रहा हूं, जब मेनी के बाद आर्टिकल ए लगा देना, तो इसके बाद जो नाउन होता है वो सिंगुलर और वर्ब भी होता है सिंगुलर। आया ना मजा? तो मेनी, जैसे हमने बोला मेनी बॉयज,
नॉट बॉय, मेनी बॉयज आर एबसेंट टूडे, मेनी बॉयज आर प्रेजेंट टूडे, लेकिन मेनी अ बॉय इज एबसेंट टूडे। तो मेनी के बाद अगर ए लगा दें, समझना, हम लोग एकदम मुद्दे की बात, एक एक चीज सिखा दूं तब अंग्रेजी बोलना आएगा, लिखना आएगा। जब चलोगे तो ना मेरे साथ, तो काउंटेबल नाउन हमने हाउ मेनी लगा दिया, तो हाउ का मतलब कैसा कैसे होता है। लेकिन अगर काउंटेबल प्लूरल नाउन आता है वर्बी प्लूरल, और मेनी के बाद नाउन प्लूरल और वर्बी प्लूरल, जैसे मेनी बॉयज, मेनी बुक्स, मेनी पीपल, मेनी इस तरह से, तो मेनी के बाद नाउन क्या हो बच्चे, प्लूरल, और वर्बी प्लूरल, मेनी बॉयज आर कमिंग टूडे, मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग देयर, है। और मेनी के बाद ए, मेनी ए क्रिमिनल वॉज किल्ड, बहुत सारा क्रिमिनल में एक मारा गया। तो यहाँ पे प्रयोग आप इस तरह से कर सकते हो। अब प्रश्न उठ रहा है कि हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग सर किस तरह से करेंगे। तो हाउ मेनी का प्रयोग आप हिंदी दोनों का ही ध्यान देना, इन दोनों का हिंदी करना, कितना, कितने, कितनी के लिए, राइट। तो हाउ मेनी का प्रयोग कहां कर, लिख लो, हाउ मेनी कहां, काउंटेबल के लिए, और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और आपको पता है ना कि अनकाउंटेबल आजीवन होता है सिंगुलर, तो अनकाउंटेबल आजीवन सिंगुलर, आजीवन क्या होता है बच्चे, सिंगुलर, और प्लस वर्ब भी क्या होता है बाबू, सिंगुलर। तो हाउ मच के साथ कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। देखो आज का क्लास मुझे पता आप सबको आता है, लेकिन मैं आपको फ्रेश करने के लिए दे रहा हूँ, आज पढ़ा नहीं रहा हूँ, आज सिखा रहा हूँ, आज वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो कॉमन मिस्टेक्स आप कर देते हो। जैसे तुम्हारे पास कितनी किताबें होंगी, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तुम्हारे पास कितनी किताबें थी, तो जहां भी बोलना हो अकॉर्डिंग टू टेंस आप अपने पैंतरे बदल सकते हो, अपना नेचर बदल सकते हो। जब तुम्हारे पास कितनी किताबें होंगी, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हमने बोला हाउ मेनी बुक्स विल यू बी हैविंग, होंगी मतलब अभी रखी है तुम्हारे पास, राइट। तो हाउ मेनी बुक्स विल यू बी हैविंग, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो। आप कर, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, राइट। तो आप प्रेजेंट बोलो, पास्ट बोलो, उससे टेंशन की बात नहीं है, आप इजिली इसका प्रयोग कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखो, हमने कहा तुम्हारे पास कितना समय है, तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम, चूंकि समय क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हाउ मच आ जाएगा। तो हाउ मच, तुम्हारे पास कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, हाउ मच टाइम डू यू हैव। हमने बोला आपको कितना, कितने कलम की जरूरत है, आपको कितनी कलम चाहिए, आपको कितनी कलम की आवश्यकता है, तो आवश्यकता है, जरूरत है, तो हाउ मेनी पेन्स डू यू नीड, हाउ मेनी पेन्स डू यू नीड। तो बस मेरे हो, तो आपको क्या करना है, हम लोग डेली बोल चाल में यही तो प्रयोग करते हैं, आप डेली बोलते क्या हो, यही सब जरूरत पड़ता है। हमने कहा तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, नहीं बोलते हैं क्या, तुम्हारे बैग में कितनी कलमें हैं, तुम्हारे बैग में कितना किताब है, तुम्हारे बैग में कितना, तो कितना वर्ड पूछते हैं, तो क्वेश्चन तो है ही सब, तुम्हारे बैग कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, हाउ मेनी बुक, देख रहा हो। तो हाउ मेनी के बाद देखो बुक्स काउंटेबल है कि नहीं है, हाउ मेनी के बाद पेन्स काउंटेबल है कि नहीं है, अब देखो आर लगाया नहीं लगाया, तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग, राइट। दूसरा आपने कहा तुम्हें कितनी शक्कर चाहिए, अब बोलो शक्कर वर्ड अनकाउंटेबल है कि नहीं है, है ना, तो अनकाउंटेबल क्या आ जाएगा, हाउ मच। अब यहां पे लगा दूंगा हाउ मेनी शुगर, तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो आपको गलत ही पकड़ना है, सही ही पकड़ना है, तब ना सही होगा। तो हाउ मेनी शुगर गलत हो गया, तो हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच शुगर डू यू नीड, अब वांट की जगह हम नीड का प्रयोग कर सकते हैं, तो हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच शुगर डू यू नीड। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ बोलो, तुम जल्दी से बोलो, बोलो तुम्हारे पास कितनी किताबें होंगी, जल्दी बोलो, हाउ तुम्हारे पास कितनी किताबें होंगी, हाउ मेनी बुक्स विल यू बी हैविंग, हाउ मेनी बुक्स विल यू बी हैविंग। अगला है तुम्हारे पास कितना समय, बोलो हाउ में तुम्हारे कितना समय है, हाउ मच टाइम डू यू हैव, हाउ मच टाइम डू यू हैव, तो आपको कितनी कलम की जरूरत है, हाउ मेनी पेन्स डू यू नीड, हाउ मेनी पेन्स डू यू नीड, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग,
तुम्हें कितने शक्कर चाहिए, हाउ मच शुगर डू यू वांट। अब बताओ आया कि नहीं आया, आप सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, इतने से काम ही चलेगा। अब दिल्ली दूर नहीं है, आप चाहते हो कि फिर से पढ़ना है तो आप दिल्ली आ करके एक बार बढ़िया से क्लास कर सकते हो। मेरा क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन सब ले सकते हो। और देखते हैं एग्जाम्पल अगले चरण। अब क्या लिया हमने, हमने कहा हाउ लॉन्ग और हाउ फार, ये दो वर्ड लिया हमने। हाउ लॉन्ग मतलब कब तक, कब तक, कितने समय तक, तो हाउ लॉन्ग का प्रयोग करना। हाउ का मतलब कैसा कैसे रहेगा, लॉन्ग का मतलब कितना समय टाइम है ना। हाउ फार कितनी दूर, कहाँ तक दूर है यार, कितना दूर है, तो हाउ फार का प्रयोग करना। आज मैं आपको सिखा करके छोड़ूंगा, मुझे आज का क्लास, मुझे पता है कि आज पढ़ा नहीं रहा, आपको वो बेसिक दे रहा हूँ जिसके माध्यम से अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा मेरे बच्चे। अब यहाँ देखो तुम हाउ लॉन्ग हाउ फार, हाउ लॉन्ग हाउ फार, कब तक तुम रहोगे, कब तक वहाँ जाओगे, हाउ फार कितनी दूर, कहाँ तक, मुंबई नगर से तुम्हारा घर कितना दूर है, दिल्ली से मुंबई कितना दूर है, तो कितनी दूर, कितना दूर, कहाँ तक, हाउ फार का प्रयोग आप कर सकते हो। जैसे तुम कितने समय साथ रहे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टुगेदर, तो हाउ लॉन्ग मतलब कितना समय, देख रहे हो हाउ लॉन्ग कब तक, कितना समय भी इसका हिंदी लिखवा दे तो पहले हमने ना, तो तुम कितने समय साथ रहे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टुगेदर, कितने समय तक, चूंकि कितने समय तक, तो यहाँ पे जो बीन का प्रयोग करते हैं पास्ट टू प्रेजेंट दिखाते हैं, वहाँ पे हम बीन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तुम कितने समय तक साथ रहे, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टुगेदर। अगला बोला हमने उसने कब तक, देखो कब तक काम किया, तो कब तक हाउ लॉन्ग हो गया। आप पहले इंट्रोगेटिव वर्ड पकड़ना है तो कब तक, तो यहाँ पे क्या देखा हमने, उसने कब तक काम किया, तो हाउ लॉन्ग हैड ही वर्कड, तो हाउ लॉन्ग हैड ही वर्कड, कब तक काम किया है ना, कब तक काम किया है रहता तो यहाँ पे हैव लगा देते है ना, इस तरह से काम होता। स्टेशन से मुखर्जी नगर कितनी दूर है, जहाँ आपका कोचिंग है ना वो मुखर्जी नगर में है, तो हमने कहा स्टेशन से मुखर्जी नगर कितनी दूर है, तो हाउ फार, देखो कितनी दूर, हाउ फार देखो कितनी दूर, हाउ फार, तो हाउ फार इज मुखर्जी नगर फ्रॉम द स्टेशन, तो फ्रॉम द स्टेशन भी कर सकते हो, यहाँ पे द चाहो तो लगा सकते हो, तो हाउ फार इज मुखर्जी नगर फ्रॉम द स्टेशन, राइट बच्चे। तो हमने कहा स्टेशन से मुखर्जी नगर कितनी दूर है, हाउ फार इज मुखर्जी नगर फ्रॉम द स्टेशन, या फ्रॉम से बोल सकते हो। आप यह कंप्यूटर कब से चला रहे हो, आप यह कंप्यूटर कब से चला रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग कब से, देख रहे हो कब से, तो पहले उस वर्ड को पकड़ना है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर। तो इस तरह से अगर आप बोलना शुरू करोगे ना तो अंग्रेजी आपका बहुत आसान हो जाएगा, बस एक एक वर्ड पकड़ना है कि हाउ लॉन्ग का मतलब क्या है, हाउ फार का मतलब क्या है, इस तरह से काम करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे, आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो अब दिल्ली दूर कहाँ है, आप दिल्ली आ करके मेरे से फेस टू फेस पाओ ना। आप कह तो नहीं सर समय नहीं है, हाउस वाइफ से, या आप जॉब में हैं, आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे बैठ के पूरा क्लास ऑनलाइन ले सकते हैं, स्पोकन भी ले सकते हैं, फाउंडेशन बैच भी ले सकते हैं, ग्रामर भी ले सकते हैं, आप जो क्लास चाहें सारे क्लास आप घर बैठे मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। नंबर टू, आप चाहते हो कि सर हम टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट पे जाओ ना, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, आप टेस्ट दो और बताओ मुझे कितने नंबर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस सारे वीडियोस हर बच्चे को शेयर करो, क्योंकि मेरा काम है आपको पढ़ाना और आपका काम है पूरे देश को शेयर करना, ताकि हर बच्चा अंग्रेजी सीख सके, हर बच्चा अंग्रेजी बोल सके, सबका अधिकार हो, सबको बराबर अधिकार मिले। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।